विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार पहुंचकर सिंचाई व पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का किया निरीक्षण। विधानसभा अध्यक्ष व कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बुधवार को कोटद्वार पहुंचकर सिंचाई व पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। विधानसभा अध्यक्ष ने चिल्लरखाल सिगड्डी पहुंचकर लोगों की समस्याएं भी सुनी व तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने सिगड्डी स्रोत व तेली स्रोत पर हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को समय रहते कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मालन पुल का निरीक्षण किया व कार्य में तेजी के साथ गुणवत्ता लाने के भी निर्देश दिए। साथ ही बताया कि दिसंबर माह तक मालन पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें की आवाजाही होने लगेगी। देख रहे हैं इस वक्त मैं मालन पुल पे जो हमारा दोबारा से बन रहा है उस पर खड़ी हूँ और जैसे आप कंट्रैक्शन देख रहे हैं तैयारी है कि स्लैब को हम उठाएं और धीरे धीरे फिर जो हमारे पिलर्स हैं उनको भी ओपन पैल फाउंडेशन के माध्यम से कार्य करें, तो काम अब धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है। व्यवस्थाएं अब पूरी मिल चुकी हैं और तेज़ी से अब हमारे यहाँ काम शुरू हुआ है। लेकिन जैसे मैंने अभी पहले भी कहा है, तेज़ी का मतलब ये नहीं है कि काम ठीक से ना किया जाए, सोच समझ के किया जाए, अच्छी तरह से किया जाए। इसलिए अब मुझे विश्वास है कि दिसंबर तक हमारा जो ये पुल है ये हो जाएगा, इसकी आवाजाही इसकी शुरू हो जाएगी। आज मैं तेली स्रोत और सिगड़ी स्रोत में भी जो हमारी पानी पिछली बार जो बाढ़ आई थी उसके कारण काफ़ी कटाव हुआ था, उस कटाव में हमने प्रयास करके सरकार के माध्यम से कुछ पैसा मंगवाया था ताकि प्रोटेक्शन वॉल हम कर सकें। आज मैंने उस पर भी काम देखा है, ठीक काम हो रहा है, एक दो जगह काम रुका हुआ है, उस पर भी जल्दी हम लोग उस पर काम शुरू करेंगे। क्या कारण थे वो बताए गए हैं मुझे, उन कारणों का निवारण करते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्य हो। जो हमारी गूल थी उसको भी मैं देखकर आई हूँ, वहाँ पर एक ही शिकायत थी आम जनता की कि जो मलबा पड़ा हुआ है वो नहीं उठ रहा है, लेकिन आज से वो मलबा उठना शुरू हुआ है और जल्द वो जो सड़क है हमारी क्लियर हो जाएगी और वहाँ सफाई हो जाएगी। तो आज हम लोग अपने अफसरान के साथ यहाँ जो है देख रहे हैं कि किस तरह से जो पैसा उत्तराखंड सरकार के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कोटद्वार को मिला है उस पर किस तरह का काम क्षेत्र में होना है। धन्यवाद। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए।